नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप अत्यारे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेफ गैली एप्लीकेशन के बारे में। सेफ गैली एप्लीकेशन में आप किसी भी एप्लीकेशन पर लॉक लगा सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी गैली से कोई फ़ोटो या वीडियोज़ उन्हें भी आप लॉक करके रख सकते हैं, जिससे कि आपको फ़ोटो वीडियोज़ आपकी मतलब कोई प्राइवेसी फ़ोटो वीडियोज़ हैं उन्हें कोई देख नहीं पाएगा, ठीक है, जैसे ही आप उन पर लॉक लगा देंगे। तो ये एप्लीकेशन कैसे काम करते हैं, इस एप्लीकेशन में आप कैसे एप्लीकेशन पर लॉक लगाते हैं, कैसे आप किसी भी यहाँ पे फ़ोटो वीडियोज़ पर लॉक लगा सकते हैं, पूरी जानकारी मैं यहाँ पे आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो सबसे पहले जैसे ही आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, यहाँ पर आपको एक अपना जो लॉक है वो सेट करना होगा। यहाँ पर दो बार आपसे लॉक मांगा जाएगा, तो दोनों बार यहाँ पे लॉक मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको दो बेसिकली यहाँ पे दो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे। पहला ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा ऐप लॉक का, और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सेफ गैली का। तो ऐप लॉक में आप यहाँ पे एप्लीकेशन में लॉक लगा सकते हैं, और सेफ गैली में आप किसी फ़ोटो वीडियोज़ पर लॉक लगा सकते हैं। तो ऐप लॉक जो ऑप्शन है, इसे हम यहाँ पे यूज़ करके देख लेते हैं कि ये ऑप्शन कैसे काम करता है। तो इसे ऑप्शन पे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको अपनी मोबाइल की सारी एप्लीकेशन यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। जिस एप्लीकेशन पे आप लॉक लगाना चाहते हैं, उस एप्लीकेशन के सामने एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, इसे आपको ओपन कर देना है। तो यहाँ पे मैं WhatsApp पे लॉक लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे WhatsApp के सामने जो ऑप्शन है उस पर हम क्लिक करेंगे, इसे हम ऑन कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं रोसोप एप्लीकेशन पे मैंने ऑलरेडी लॉक लगा के रखा हुआ है। और दोस्तों, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो एप्लीकेशन है जो आपके मोबाइल से डिलीट नहीं होती है, उन एप्लीकेशन पर भी आप लॉक लगा के रख सकते हैं। यहाँ पे YouTube और यहाँ पे आपकी जो गैली है, इन पे कॉन्टैक्ट, इन पे भी आप लॉक लगा के रख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर रोसोप एप्लीकेशन और WhatsApp पे लॉक लगा है या नहीं लगा है, इसे जानने के लिए हम यहाँ पे बैक चलते हैं और यहाँ पे रोसोप एप्लीकेशन ओपन करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे रोसोप एप्लीकेशन हमने ओपन की, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे से लॉक मांगा जा रहा है, यानी हम जो सेफ गैली एप्लीकेशन है इसका लॉक यहाँ पे लग चुका है। और जैसे यहाँ पे हम रोसोप एप्लीकेशन ओपन करेंगे, तो हमारे से लॉक मांगा जाएगा। तो लॉक हमें डाल के यहाँ पे जो पैटर्न है हमने डाल के ओपन किया, तो हमारी एप्लीकेशन ओपन हो गई है। ये एप्लीकेशन हमारी इसलिए नहीं चल रही क्योंकि हमारा जो इंटरनेट है अभी यहाँ पे बंद है, मैंने इंटरनेट ऑन नहीं कर रखा है। तो दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पे हम WhatsApp ओपन करके देखते हैं। यहाँ पे WhatsApp पे भी हमने लॉक लगाया था, और जैसे हमने WhatsApp ओपन किया, तो यहाँ पे WhatsApp में भी हमसे लॉक यहाँ पे पैटर्न मांगा जा रहा है, तो हम पैटर्न डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमारा WhatsApp ओपन हो चुका है। तो इस तरह से आप अपने WhatsApp पे भी लॉक लगा सकते हैं, किसी भी एप्लीकेशन पे आप अपने मोबाइल में लॉक लगा सकते हैं सेफ गैली एप्लीकेशन से, ठीक है। इसका डाउनलोड लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों, यहां पे सीख लेते हैं यहां पे आप अपनी फ़ोटो या किसी वीडियो पे लॉक कैसे लगा सकते हैं। तो यहां पे गैली में मैं आपको यहां पे आपको डाउनलोड फोल्डर में कुछ फ़ोटो पे लॉक लगाने वाला हूँ, तो उन्हें देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर आप गैली में देख सकते हैं भोलेनाथ के कुछ इमेज हैं, ठीक है, जैसे कि ये और ये कुछ इमेज हैं, इन इमेज पे मैं लॉक लगाऊंगा, ठीक है। ये जैसे ही मैं यहाँ पे लॉक लगाऊंगा, तो मेरी गैलरी में ये इमेज नज़र नहीं आएंगे, ठीक है। तो आइए सीख लेते हैं कैसे काम करती है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ओपन करेंगे, एप्लीकेशन ओपन करने से पहले यहाँ पे हमें पैटर्न डालना होगा। पैटर्न डालने के बाद यहाँ पे सेव गैली जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। और इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको एक प्लस का आइकन आपको नज़र आएगा, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन नज़र आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर वीडियोज़, ऑडियोज़, जो भी आप जिस पे भी लॉक लगाना चाहते हैं उसे यहाँ से चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपना इमेज यानी फ़ोटो पे लॉक लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो जितने भी मेरे मोबाइल में यहाँ पे इमेज हैं, जितने भी फ़ोटो हैं, वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। इनमें से जिस जिस पे मैं लॉक लगाना चाहता हूँ उन पे मैं टिक कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं हम जो हमारे डाउनलोड फोल्डर में यहाँ पे जो कुछ इमेज थे भोलेनाथ के, उन इमेज पे हम लॉक लगाना चाह रहे थे, तो उन इमेज को यहाँ पे ढूंढ लेते हैं फटाफट से, और उन पे यहाँ पे हम उन इमेज को यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारे जो इमेज है वो यहाँ पे मिलने वाले हैं अभी थोड़ी देर में, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे इमेज मिल चुके हैं, ठीक है। तो ये चार इमेज हैं, इन चार इमेज पे हम लॉक लगाएंगे। तो इन्हें फटाफट से हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, दो तीन
और चार, ठीक है। यह चार इमेज हमने यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे आप इमेज सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा। इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे इन पे लॉक लग जाएगा। यहाँ पे आपको फोल्डर चूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि आप इन पे लॉक लगा के कहाँ पे रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे पिक्चर, मैंने यहाँ पिक्चर वाला फोल्डर हमने सेलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 फाइल, यानी हमारे यहाँ पे पहले भी कुछ फ़ोटो मैंने लॉक लगा के रखे हुए हैं। तो इसे फोल्डर को ओपन करके हम देख लेते हैं किन किन इमेज पे हमारे लॉक लगे हैं। तो इसे हम जैसे ही ओपन करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं इससे पहले हमने कुछ फोल्ड कुछ इमेज पे लॉक लगा के रखा था, और चार इमेज हमारे यहाँ पे ये भी आ गए हैं इसके साथ। तो दोस्तों अभी यहाँ पे हम बैक चलते हैं, और यहाँ पे हम अपनी गैलरी में जाके देखते हैं कि लॉक लगा है या नहीं। यहाँ से गैलरी ओपन करेंगे, इसके बाद यहाँ पे हम डाउनलोड फोल्डर में जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जिन इमेज पे हमने लॉक लगाया है वो हमारी यहाँ पे गैलरी में शो नहीं हो रहे, यानी जिस पे भी आप यहाँ पे वीडियोज़ या फ़ोटो वेब लॉक लगाएंगे, उन्हें लॉक करके आप सेव करेंगे, वो आपकी गैलरी में यहाँ पे सेव मतलब दिखाई नहीं देंगे। कहीं पे भी आप किसी भी वीडियोस पे इसी तरह लॉक लगा सकते हैं, या किसी फ़ोटो पे भी आप लॉक लगा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर जरूर कर देना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। इस एप्लीकेशन का डाउनलोडिंग नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।